News 24x7 Entertainment के व्यूअर्स के लिए मैं दिव्या लेकर आई हूँ बॉलीवुड की कुछ खास और चटपटी खबरें। तो बताते हैं इस साल भाईजान की दबंग 3 कब होगी रिलीज, किस साउथ इंडियन मूवी से आलिया भट्ट करने वाली है डेब्यू, और सूत्रों की माने तो पता चला है इरफान खान भी हिंदी मीडियम 2 की करने वाले हैं शुरुआत। हम सबके भाईजान सलमान खान ने सभी कामों को छोड़ के दबंग की शुरुआत कर दी है। जानकारी के लिए बता दें इस खबर की पुष्टि खुद सलमान खान ने ही की है। सलमान ने बोला इस साल दबंग 3 की शुरुआत अप्रैल से कर देंगे और फिल्म को दिसंबर में ही रिलीज कर देंगे। भारतीय सिनेमा को बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले डायरेक्टर SS राजामौली की मल्टी स्टारर मूवी RRR को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। RRR मूवी में स्टार कास्ट के रूप में आलिया भट्ट और अजय देवगन भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि RRR मूवी 30 जुलाई 2020 को रिलीज कर दिया जाएगा। हाल ही में मुंबई के प्रोडक्शन हाउस के बाहर इरफान खान को स्पॉट किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इरफान खान हिंदी मीडियम 2 के सीक्वल के लिए दिनेश विजन से मिलने गए थे। काफी अरसों से बीमारी की वजह से इरफान खान बड़े पर्दे से दूर रहे, पर अब शायद वो जल्दी वापसी करने वाले हैं। हम फिर कुछ रोचक और चटपटी खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।